ठीक है जो, यहाँ देखो। मैंने तुम्हें यह सिद्धांत समझाने के लिए एक छोटा सा विन्यास तैयार किया है। पहले मैं तुम्हें न्यूटन का गति का प्रथम नियम बताऊंगा। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु यदि विरामावस्था में हो वो विरामावस्था में ही रहेगी। अगर कोई वस्तु स्थिर गति में सरल रेखा में गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी जब तक कोई असंतुलित बल उसे रोकने के लिए आरोपित न करे। इस गेंद की ओर देखिए, अभी ये विरामावस्था में है क्योंकि यहाँ सभी बल संतुलित है, अतः ये विरामावस्था में ही रहती है। चलिए अब इस प्रकार असंतुलित बल आरोपित करते हैं। अब गेंद गति करती है तथा जब तक इस पर असंतुलित बल कार्य कर रहा होता है तब तक ये समान गति से समान दिशाओं में गतिशील रहती है। यहाँ रेत गेंद को रोकने के लिए असंतुलित बल की तरह कार्य करती है। यहाँ रेत तथा वायु प्रतिरोध से दोनों घर्षणों से गेंद की गति धीमी कर दी और अंततः ये रुक गई है। यहाँ दोबारा सभी बल विराम अवस्था में आ गए हैं, अतः गेंद विराम में है। यहाँ न्यूटन का गति का प्रथम नियम कहलाता है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बहुत आसान है बॉब, इसका मतलब यह है कि यदि किसी वस्तु में सभी बल गतिशील है तो वस्तु भी गतिशील होगी, यदि सभी बल विराम अवस्था में है तो वस्तु भी विराम में ही होगी। तुम सही है जो। बॉब, जड़त्व का नियम क्या है? जो, जड़त्व पिंड को विरामावस्था या गत्यावस्था में रखने की प्रवृत्ति है। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, यदि गतिशील है तो वो सरल रेखा में गतिमान रहेगी। यह जड़त्व का नियम कहलाता है। ये उदाहरण देखिए, यहाँ मैंने एक गोलक को एक धागे से नियत कर दिया है तथा इसके सामने एक कांच का बर्तन रखा है। धागा तथा गोलक दोनों विरामावस्था में है। अब देखिए, यह कैसे होता है? जब धागे को जलाया जाता है तो ये विरामावस्था से गत्यावस्था में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ बल धागे पर लगाया जाता है परंतु गोलक पर नहीं, अतः गोलक गति करता है तथा कांच का बर्तन में गिर जाता है क्योंकि यह जड़त्व के कारण समान विरामावस्था में रहता है। वाह शानदार बॉब, यह बहुत आसान है बॉब, परंतु बाकी के नियमों का क्या? रुको जो, एक छोटा सा अंतराल ले, मैं अभी आऊंगा।